Good morning, Vijay, and good morning to all our participants today. A warm welcome. Good morning, Rahul, और सभी जितने भी आज हमारे यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, उनका आज जो सर्दी वाले इलाकों में से हैं, सर्दी में बहुत-बहुत स्वागत, गर्मी के साथ और जो गर्म इलाकों में उनके साथ ठंड के साथ बहुत-बहुत स्वागत आपका आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्दी और गर्मी का भी है। अब कुछ लोगों के पसीने छूट रहे होंगे गर्मी में भी डेफिनेटली और सर्दियों में भी, क्योंकि आज के समय में कुछ एक अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ रही है, कुछ न्यूज़पेपर ने कुछ कंपनी उसके लोगोस निकाले छाप दिए कि भाई ये फला फला कंपनियां तो बंद हो जाएंगी। तो जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे जो नेटवर्कर्स हैं आज की डेट में डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। क्यों? उसका एक मेन रीज़न है जानकारी का अभाव, सही जानकारी का अभाव होना। तो आज का ये प्रोग्राम हमारा प्रयास रहेगा उन सभी को जो रूमर्स जो गलतफहमियां मार्केट के अंदर आ रही हैं जा रही हैं जिसके कारण वो अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे, थोड़े से घबराए हुए हैं, आज उन सभी की घबराहट का समाधान, उन समस्याओं का समाधान, उन रूमर्स को खत्म करने के लिए इस प्रोग्राम को हमने आज आयोजित किया है। राहुल। यस विजय, एज यू राइटली सेड, there was so much confusion in the market when the direct selling rules was been published. People was interpreting in their own way, reading some lines, missing out some lines. Then even they were getting confused. They themselves was getting confused and they were making others also confused. Because now we wanted to really make them understand what was the really myth and what is the real fact. What was the real meaning of this direct selling rules? And that is the reason we are having today's show today here. So Vijay, we have for today's session, we are fortunate enough to have our international marketing director, Mr. KM Rafiq, to answer our questions, because as you all know, he is a person who can answer these questions of ours right away. Rahul, ek interesting baat batata hu ki is program ka na jo aagaaz kiya gaya hai wo hamare international marketing director ke dwara khud hi kiya gaya hai. Unka Vijay, unka message aaya Vijay aur aap jo hum dono jab saath mein the, वैसे आया कि मार्केट से बहुत ज़्यादा ये समस्याएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं, लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं, तो फटाफट एक काम करिए, एक मीटिंग अरेंज करिए, एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करिए जिसके अंदर मैं खुद आऊँगा और उनके सभी जो उनके मन में जो सवाल जो विचार आ रहे हैं उन सभी के समस्याओं का समाधान, उन सभी का निवारण, उन सभी को क्लैरिफिकेशन मैं स्वयं आके दूंगा। सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, because today's session is very important. I can see more than 350 people have logged in now and it's going on very fast. Many of them are eager to know this question. So without wasting much time, Vijay, let me welcome on the screen our international marketing director, Mr. KM Rafiq. Mr. Rafiq, can we have you on the screen? Yes. Good morning, Rahul. Good morning, Vijay. And good morning, everybody, on this wonderful day. Nice day. A warm day, very, very, very cold day in Delhi, and for us, a normal day in Chennai. So, and today's session, definitely many people, so, they must be very warm inside to know the answers. So, Rafiq sir, basically, जैसा कि आप जानते हैं, आपसे चर्चा हुई थी हमारी, हम लोगों की बात भी हुई थी, और आपको आपका daily कुछ phone calls भी आ रहे हैं, और कुछ कई तरीके के प्रश्न आ रहे हैं regarding this direct selling guidelines. जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये सारी बंद हो जाएंगी, ये सारा मार्केटिंग का सिस्टम सारा बंद हो जाएगा, ये आपका नेटवर्क का सिस्टम सारा बंद हो जाएगा, तो इससे हमारे जो बहुत सारे जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो टोटली डिपेंडेंट हैं डीएक्सएम के ऊपर, टोटली डिपेंडेंट है इस इंडस्ट्री के ऊपर, कि उनकी मेन उनके आय का जरिया, उनके जीवन यापन का जरिया वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस बात को लेके, क्योंकि पूरे विश्व में जहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि एक अभी हमने देखा कि कम से कम मोर देन दैट इज 5.8% ग्रोथ देखी गई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और कम से कम कई मिलियंस ऑफ दैट इज पीपल, मोर देन 100 मिलियंस ऑफ पीपल दे आर गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, दे आर गेटिंग उनको एक रोजगार का जरिया मिला है इंडस्ट्री के जरिए, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अचानक में इस तरीके से गाइडलाइन आना और इस तरीके से न्यूज़पेपर में प्रकाशित होना, न्यूज़ फैलना, रूमर फैलना, जिससे कि जितने हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो मेहनत से और दिल से इस काम के लिए जुड़े हुए हैं, वो अचानक उनको लगता है कि उनके साथ तो ये पता नहीं क्या धोखा हो गया और वो सोच रहे हैं कि उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। तो आज हम
प्रश्नों के माध्यम से, जो सवाल मार्केट से मिल रहे हैं उन प्रश्नों के माध्यम से आपसे आप प्रश्न करेंगे और आपसे उनका जवाब जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे डायरेक्ट सेलर तैयार हो सके मार्केट में जाके वो अपनी पोजीशन को, अपनी कंपनी की पोजीशन को सही तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सके और मेहनत करके अपना काम कर सके। रफीक सर, कैन यू स्टार्ट द क्वेश्चंस? यस। सो दैट्स वंडरफुल। यू सी नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, सो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है ये, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है हर एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, जो है जो बिजनेस का अंदर जो और जो सेल्स ट्रांसैक्शन हो रहा है, एवरीथिंग वी कॉल्ड व्हाइट मनी ट्रांसैक्शन। यहाँ पे कोई यू नो हाइड एंड सीक नहीं कर सकता है कंपनी, बिकॉज यहाँ पे जो भी सेल्स हो रहा है वो सेल्स के मुताबिक पॉइंट मिलने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो पॉइंट के मुताबिक उसे बोनस मिलने वाला है। ओके, अगर इसीलिए कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसका सेल्स को कम नहीं दिखा सकता है गवर्नमेंट को, सो उसे छुपा भी नहीं सकता है, उसे मिटा भी नहीं सकता है। सो जितने भी सेल्स हो रहा है, एक ही इंडस्ट्री अगर मैं देख रहा हूं पूरा इंडिया में, एक ही इंडस्ट्री पूरा ट्रांसपेरेंट का साथ काम कर रहा है, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बिकॉज यहाँ पे जितने भी सेल्स हो रहा है, जितने भी ट्रांसैक्शन हो रहा है, उतने पूरा 100% to 100% पूरा जीएसटी बोलो, टैक्स बोलो, जितने भी है एवरीथिंग गवर्नमेंट को मिलने वाला है और मिल रहा है। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वाओ, बहुत खूब राहुल, कैन यू जस्ट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, बिकॉज़ आवर इंग्लिश। यस यस, नाउ व्हाट मिस्टर रफीक हैज सेड, दिस इज अ इंडस्ट्री व्हिच इज वेरी ट्रांसपेरेंट, व्हिच इज गिविंग ऑल द टैक्सेस वेरी प्रॉपर्ली, and it is giving so much benefits to so many people. So in all these words, now let us go with the question and answer. I think that will make people very, very clear. So Mr. Rafiq, are you ready with your side? Let us shoot the questions. Yeah, I'm ready. So Mr. Rafiq, the thing which everybody would like to know, like we all know that the diet selling company has been operating for more than nearly 2 decades. And then why do you feel, why suddenly this government is focusing on these direct selling guidelines and rules and acts? What is the reason? Vijay, a translation for this. Sir, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही हैं भारत में। अचानक सरकार को ये क्या सूझा कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन और एक एक्ट लेकर आई, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। गवर्नमेंट सडनली कम विथ गाइडलाइन, सडनली रूल लेके आ रहा है और डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है, एक वजह है। दिस इज द नीड टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री। ओके, सो अगर कोई रूल आ रहा है उसका मतलब ये है, दैट मीन्स गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री को वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो उसका ऊपर वो रूल नहीं लेके आएगा, उसका ऊपर बैन लेके आएगा, सही ना? वो सीधा सीधा बैन कर देगा, ये गलत है, बैन कर दो। उसमें गाइडलाइन नहीं आएगा, उसमें रूल नहीं आएगा। रूल आ रहा है इसका मतलब ये कि साफ डायरेक्ट एक मैसेज हमको ये मिल रहा है, गवर्नमेंट वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज दिस इंडस्ट्री एंड एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्री का जो फेस है इसे एस्टैब्लिश करने के लिए। पहले आई वॉन्ट टू एक आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक इंडस्ट्री, एक कंट्री में एक इंडस्ट्री कैसा एस्टैब्लिश हो रहा है, कोई भी इंडस्ट्री हो, शुरुआत में एक सोच से शुरू होता है। ओके, जैसा बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया, जो भी है, पहले बैंकिंग इंडस्ट्री जब शुरू हो रहा था ना, लोग डर रहे थे, लोग पहले पैसा उनका घर में रख रहे थे, बिस्तर के अंदर रख रहे थे, लॉकर में रख रहे थे। अगर कोई बैंक आया बोल रहा है आपका पैसा यहां पे रखो, हम जो पैसा आप मेरे पास रख रहे हैं उसमें हम आपको इंटरेस्ट देंगे, वो टाइम किसी ने बैंक को बिलीव नहीं किया। सब लोगों ने सोचा ये कैसा है, मैं क्यों उसे पैसा दूं, वो लेकर भाग गया तो क्या होगा, वो मेरे पैसे से खुद को मेरा ज्यादा पैसा कैसा दे सकता है। तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है ना, जैसे एग्जाम्पल मैं बैंकिंग का बोल रहा हूं, वैसे ही हुआ इंश्योरेंस का, हुआ ई कॉमर्स का, हुआ एवरीथिंग। फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन फेस आएगा, दैट मींस एक सोच आता है, वो सोच का ऊपर वो इंडस्ट्री शुरू होता है। ये शुरू होने का बाद सेकंड फेस है नेगेटिव फेस, लोग उसमें डाउट करना शुरू करते हैं।
पहले जो इंश्योरेंस वाला आ रहे थे ना, इंश्योरेंस वाला बोल रहे थे सर आप प्रीमियम बनते रहना, जब आप मर जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लोग अरे मैं मर जाऊंगा तो पैसा मिलेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा पैसा दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सो ये एक नेगेटिविटी फेस, वो कोई विश्वास नहीं कर सकता था ये ऐसा हो सकता है, ये एक नेगेटिविटी फेस आएगा। ये एक नेगेटिविटी फेस का बाद में क्या होगा, अगर किसी लोगों को इसमें से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जो बैंक से 10 15 20 लोगों को ये पता चल जाता है हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है, मेरा घर में रहेगा तो चोरी हो सकता है, बैंक में रहेगा तो चोरी नहीं होगा नंबर वन, और नंबर टू इसमें मुझे ज्यादा पैसा भी मिलेगा। ये मैसेज धीरे 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 लोगों को पता चलता है। ये जब ये पता चलता है, ये नेगेटिव फेस एक ग्रोथ फेस में चला जाता है। Then it comes the correction phase. पहला इंटरेक्शन होता है, फिर नेगेटिव बनता है, फिर एक करेक्शन आता है मार्केट में। ओके, सो दिस इज, जब ये नेगेटिव फेस क्लियर हो जाता है ना, मेनी पीपल विल कम इन टू दिस वन, मेनी प्लेयर विल कम इन टू दिस वन। सो नाउ द करेक्शन फेस, इंपॉर्टेंट फेस, वेन द इंडस्ट्री इज प्रूवन टू बी गुड। अभी लोगों को पता चलता है हाँ बैंक इंडस्ट्री अच्छा इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री अच्छा इंडस्ट्री है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री अच्छा इंडस्ट्री है, ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है। देन गवर्नमेंट क्या करता है, इसका ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन ले आता है। क्यों ले आता है, वो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर वन, और नंबर टू कोई गलत काम ये इंडस्ट्री में ना हो, इसीलिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन ले आता है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड द करेक्शन फेस। ये करेक्शन फेस होने का बाद वो इंडस्ट्री को एक 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 एक, एक क्या बोलते हैं, एक एक अंगीकार मिलता है, यू नो, एक रिकॉग्निशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ ये इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अपना लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल द करेक्शन फेस। जब रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, इसका एक क्लियर मैसेज है, दैट मींस गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज कर लिया, गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्री को अपना लिया। ओके, दैट मींस अभी ये इंडस्ट्री में कोई गलत आदमी अंदर आ नहीं सकता है, अगर आएगा गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री का ऊपर नजर रखता है, अगर कोई भी गलत आदमी आएगा उसे बाहर फेंक देगा। जब तक रूल नहीं रहता है, इसमें अच्छे कंपनी भी काम कर सकता था, खराब कंपनी भी काम कर सकता था। जब रूल बन जाता है, अभी खराब कंपनी इसमें काम नहीं कर पाएगा, जो एथिकल कंपनी है सिर्फ वही काम कर पाएगा बिकॉज ऑफ द रूल। दिस इज कॉल्ड द करेक्शन फेस। ये करेक्शन फेस का बाद क्या होता है, लोगों का अंदर एक विश्वास आ जाता है, हाँ अभी ये गवर्नमेंट इसने अपना लिया। देन इट इज द पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस का बाद ये ग्रोथ आना शुरू होगा। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में वो ग्रोथ फेस में नहीं गया है, अभी वो करेक्शन फेस और पॉजिटिव फेस ये दोनों का बीच में ही है। अभी इसका बाद शुरू होगा, मे बी आफ्टर 2-3 years ये ग्रोथ फेस शुरू होगा। वो ग्रोथ फेस है, एटलीस्ट एक 10 साल काम करेगा इंडस्ट्री, और ज्यादा ग्रो होगा इन नेक्स्ट 10 years। ये नेक्स्ट 10 years का बाद इट विल बिकम एन एस्टैब्लिश्ड फेस, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री बन जाएगा। सो दिस इज व्हाई द रूल्स इज ब्रिंगिंग। रूल ले आने का मतलब यही, सिर्फ एक ही मतलब है, दे वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अपनाना चाहता है, इसीलिए दे आर ब्रिंगिंग द रूल। ये इसीलिए डायरेक्ट सेलर को, जैसा डीएक्सएन जैसा कंपनी को, जो एथिकल कंपनी है, उनको और उसका डिस्ट्रीब्यूटर को एक बहुत बड़ा एक 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 एडवांटेज है बिकॉज ऑफ दिस रूल, एंड दे आर, वी आर वेटिंग फॉर दिस रूल फॉर द लॉन्ग टाइम। सो इसीलिए दिस, ये एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, पॉजिटिविटी अमंग द इंडस्ट्री आ जाता है। So now we are in this positive phase, और ये positive phase again growth phase में जाएगा, then ये established phase में चला जाएगा। So अगर हम देखेंगे December 2021 में government of India ने एक gazette, एक rule लेकर आ गया है on direct selling industry का ऊपर, okay? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, they have given 28th December 2021, they have given this ruling. Okay, so that means, and they have told, ये 90 days time है, जो direct seller है, और direct selling company है, जितने भी rule इसमें है, ये 90 days का अंदर, सब company इसका अंदर आना चाहिए, जो company इसे follow नहीं करेगा, वो company 90 days का बाद, India में काम नहीं कर सकता है। So this is on the rules and regulations, what recently government has given. Thank you very much, Mr. Rafiq, let me just translate. Now,
what is the basic thing is what the why the need has come for the government to get this rule. Now, when the need has come, that means the government is trying to establish this industry, or else it would have been banned. Very rightly said, Mr. Rafiq. So, like a good example was taken, a right example was taken about this banking industry, insurance industry. Now, when it had come earlier, people was really afraid. They were really afraid to give this money to the bank because till that time they were keeping this money in under the tables, under the cots, everything. They were keeping the houses. But suddenly, when the banking industry came, and people were afraid whether this banking bank will give this money back as what they promised. The same thing goes with insurance sector when they said, "God, you'll get money after your death to your spouse." God, how will I know after my death? How will I get the money? So all this confusion was there. So that is the initial phase where this negative thoughts come to the mind. So this you can always find in many industries when it starts with. So now the negative phase is from the negative phase we will be coming to the correction phase. That is very important, the correction phase. And if now we cannot say that this rule is going to benefit. Now we can see the rule is going, whom this rule is going to benefit. The rule is going to benefit the good companies only. So here it comes a time when the bad companies cannot operate. A rule has come where only the good companies can operate. So now is a time where trust plays a vital role, and slowly, we will move into the positive phase and later into the growth phase, and then we will be into the established phase. It's a step-by-step process. So it's good that government has come with this rule on 28th of December 2021 for the direct selling guidelines. Thank you very much, Mr. Rafiq, for this beautiful explanation. Yes. बहुत खूब सर, आपने बहुत ही सही तरीके से चीजों को बताया कि जो ये रूल्स और गाइडलाइन जो आई हैं, इसका मतलब है कि अब आपका व्यवसाय और मजबूत तरीके से कानूनी हो गया है। इसको हर अथॉरिटी की तरफ से इसको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, और आप सम्मान पूर्वक इस काम को कर सकते हैं, और अपने भविष्य की चिंता अब आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट सेलर को और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बचाव के लिए ये सारे कानून लेके आ रही है, लॉ लेके आ रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ठगा हुआ महसूस ना करे, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बेईमानी ना हो सके। इसीलिए इस इंडस्ट्री को एक मान सम्मान के तौर पर से देखा जाना चाहिए। ये कानून आ रहा है, ये हमारी एक विजय है, यानी हमारी जो जीत के अंदर एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, इतने वर्षों से जो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रफीक सर, तो राहुल क्यों ना हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। यस यस, एंड विजय, रफीक सर, नाइस टू सी मेनी पीपल अगेन जॉइनिंग। सी हाउ एवरीबॉडी इज क्यूरियस टू नो द आंसर्स। आई कैन सी नियरली 575 इज गोइंग विद एवरी सेकंड, इज गोइंग 10 10 10 10, सो नाइस। एंड प्लीज डू नॉट मिस, इवन इफ एनीबॉडी इज देयर फ्रॉम योर पीपल हु वांट्स टू नो अबाउट दिस रूल्स, प्लीज इंटीमेट देम इमीडिएटली टू जॉइन दिस लिंक विद द Zoom इमीडिएटली। So, Rafiq sir, we go with the second question. Yeah. Again, related with the first itself. Now, Mr. Rafiq, now, is it possible for you to briefly explain that how this act is going to benefit the direct selling companies? That is very important for us to know. Now, because now this rule has come, how sir, that is going to benefit us is also very important for us. Vijay, a translation from your side. Yeah. Sir, jo ye direct selling jo guideline or act jo aaya hai, ye kis prakar डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में बताएं। अच्छा, यू सी, एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी जो बोल रहा था, जब गवर्नमेंट रूल पास कर रहा है, वो थोड़ा क्लियर मैसेज हमको दे रहा है। ये रूल पास हो गया मींस वी आर गेटिंग क्लियर मैसेज। ये क्या क्या मैसेज? नंबर वन, गवर्नमेंट अंडरस्टूड दैट द इंडस्ट्री इज बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी एंड टू इट्स सिटीजन। ये गवर्नमेंट को अभी पता चल गया है, ये जो इंडस्ट्री है, ये वो जो देश का जो प्रजा है उसके लिए और उसका इकोनॉमी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है ये इंडस्ट्री। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे रूल में लेके आया और गवर्नमेंट ने इसे अपना लिया, और इंडिया का इकोनॉमी बढ़ने में जैसा FMCG सेक्टर है, जैसा बैंकिंग सेक्टर है, जैसा इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसा ई कॉमर्स सेक्टर है, वैसे ही अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर है
इंडिया को ग्रोथ में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका रख सकता है, ये गवर्नमेंट को अभी समझ में आ गया, बिकॉज हर साल इसका जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिकॉज पहले लोग प्रोडक्ट खरीदते थे, बिकॉज अभी लोगों का प्रोडक्ट खरीदने का तरीका ही चेंज हो गया, सही ना। पहले प्रोडक्ट खरीदते थे बाजार में जाके खरीदते थे, फिर प्रोडक्ट खरीदते थे दुकान से खरीदते थे छोटे छोटे दुकान से, फिर प्रोडक्ट खरीदते थे सुपरमार्केट से खरीदते थे, फिर लोग प्रोडक्ट खरीदते थे ऑनलाइन से खरीदते थे, और साथ में साथ ये जो एडवर्टाइजमेंट जो है ये सब बनने की कारण और लोग को इंफॉर्मेशन जो है जो एडवर्टाइजमेंट सी प्रोडक्ट कैसा बिकता है मार्केट में ये समझो, प्रोडक्ट बिकता है एडवर्टाइजमेंट से, जो बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए से वो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं दुकान से खरीदते हैं या ऑनलाइन से खरीदते हैं। बट ये एडवर्टाइजमेंट जो मैसेज जा रहा है ना, ये मैसेज सही है या गलत है आप इसे वेरीफाई नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो। आप अमिताभ बच्चन से पूछ नहीं सकते हो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो सही है गलत है। आप ऐश्वर्या से या तेंदुलकर से और शाहरुख खान से जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनसे आप पूछ नहीं सकते हो। बट ये जो डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं, एक एक कंस्यूमर को ये प्रोडक्ट बेचता हूं, तो वो कंस्यूमर मुझे हजार सवाल कर सकता है ये प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे डायरेक्ट सेलर ये मेरा फर्ज बनता है ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी उसे देना। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, दो चीज होता है, एक प्रोडक्ट जाता है और प्रोडक्ट का साथ इसका सही इंफॉर्मेशन कंस्यूमर का तक जाता है। ये बहुत बड़ा काम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा है। ये छोड़कर नॉर्मल इंडस्ट्री क्या कर रहा है, उसे प्रोडक्ट जाता है और सही इंफॉर्मेशन पता नहीं जाता है या नहीं जाता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं ये टूथपेस्ट बेचता हूं ये कंस्यूमर को, इसे बोलता हूं ये टूथपेस्ट क्या क्या है, इसमें ज़ाइलेटॉल क्या है, इसमें गैनोडर्मा क्या है, एवरीथिंग में उसे क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलता है ये कंस्यूमर को प्रोडक्ट यूज करने में, तो कंस्यूमर क्या बनता है, ताकतदार बन जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। सिर्फ उसे प्रोडक्ट नहीं मिलता है, प्रोडक्ट के साथ साथ असली जानकारी उसे मिलता है बिकॉज ऑफ ए डायरेक्ट सेलर। एक डायरेक्ट सेलर उसका कंस्यूमर को असली जानकारी देता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, बिकॉज कंस्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम, कंस्यूमर को सही इंफॉर्मेशन देने का काम ये जो डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा काम है। ये जो पर्सनल जो टच है, जो पर्सनल डिस्कशन या पर्सनल कंसल्टेशन जो दे रहा है डायरेक्ट सेलर उसका कंस्यूमर को, ये बहुत बड़ा काम डायरेक्ट सेलर कर रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो इंडस्ट्री है गवर्नमेंट को अट्रैक्ट कर लिया और गवर्नमेंट ने इसे अपनाने के लिए रूल लेके आ गया। सो गवर्नमेंट अंडरस्टूड that the industry good for its economy and also for its citizen. Citizen के लिए useful क्यों है? Because information सही जा रहा है। Economy के लिए ये important क्यों है? Because हर जो sale हो रहा है ना ये company का साथ, ये without cash bill sale नहीं कर पाता है company। अगर without cash bill करेगा तो डायरेक्ट सेलर को पॉइंट नहीं मिलेगा तो बोनस नहीं मिलेगा, सही है ना। तो हर सेल हो रहा है ये कैश बिल का साथ जाता है, जब कैश बिल का साथ जाता है वो जीएसटी का साथ जाता है, जब जीएसटी का साथ जाता है जितना भी सेल हो रहा है पूरा सेल का जीएसटी का जो फायदा है वो गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने पहचान लिया ये जो इंडस्ट्री दो फायदा है, एक इकोनॉमी के लिए और एक सिटीजन के लिए। और सेकेंड जो चीज है, इट वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्री एंड वॉन्ट टू गिव रिकग्निशन, ये अच्छा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये जो फायदा है ना, ये रूल का बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। इट वॉन्ट टू रिकग्नाइज दिस इंडस्ट्री और इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट ऐसा करना चाहता है तो फ्यूचर सो फ्यूचर आवर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा कल कोई भी गवर्नमेंट आगे बोल देगा इसे बैन करो उसे बैन करो, अभी ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी रूल आ चुका है। अभी भी कोई भी गवर्नमेंट कानून को बदल नहीं सकता है, हाँ कानून में कुछ चेंज ले आ सकता है बट कानून को बदल नहीं सकता है। अभी कोई गवर्नमेंट आके नहीं बोल सकता है बैंकिंग को बंद करो, अभी कोई भी आके नहीं बोल सकता है ई कॉमर्स को बंद करो, अभी कोई भी आके नहीं बोल सकता है इंश्योरेंस को बंद करो, बिकॉज ये सब एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, कानून उसमें ऑलरेडी हो चुका है इसीलिए वो प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी अभी प्रोटेक्टेड है बिकॉज इसका ऊपर ऑलरेडी कानून हो चुका है।
ओके दिस विल फर्दर पे, ये क्या कर सकता है, दिस विल फर्दर गिव ये वेरी बिग ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कानून जो आया ना, इसके लिए इट विल गिव ये बिग ग्रोथ एंड द पाथ टू द इंडस्ट्री एंड मोर प्रोफेशनल विल कम. अभी देखो बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, बड़े बड़े प्रोफेशनल पीपल इसका साथ जुड़ेंगे बिकॉज ये रिकॉग्नाइज हो गया. अभी 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 देखेंगे इन फ्यूचर विद इन 3-4 इयर्स यू विल सी, जैसा यूनिवर्सिटीज में बैंकिंग का एक ब्रांच है, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ब्रांच शुरू होगा बिकॉज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है. लोग इसमें पढ़ाई करेंगे, लोग इसमें डिग्री लेंगे, लोग इसमें पीएचडी करेंगे, लोग इसमें डॉक्टरेट करेंगे ये इंडस्ट्री में बिकॉज दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री. ये एक बहुत बड़ा फायदा है बिकॉज ऑफ दिस रूल, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसे अपना लिया और गवर्नमेंट ने इसे सुरक्षित कर लिया. देश सुरक्षित करने की वजह से आवर फ्यूचर इज ऑल्सो सिक्योर. Okay, so these are all the biggest advantage what with the direct selling. For to make the work easy for Rahul, I will also summarize in English. Okay, thanks a lot. why this act is beneficial for the direct selling companies? Number one, when government is passing the rule for any industry, it is a clear sign. It is giving a clear sign that government understood the industry, that it is beneficial to the economy and to its citizen. Otherwise, government will not pass the rule. Now we got the rule means, that means government understood direct selling industry is a beneficial to the economy and to the citizen. And government want to strengthen the industry and want to give recognition. This is the second advantage of this rule. And number third is, and government, if government want to recognize and government want to tell you are good, then government also should tell these are all the things you should not do. These are, if you do this one, you will be bad. So that is the reason rule came. Rule will identify the good people and bad people. Now, any company want to do direct selling, it is very easy. They follow the rule, they will become a good company. If they don't follow the rule, they will become the bad company in the eyes of government. So it is easy for the company also to know what we should do, what we should not do. Otherwise, anybody, one state will tell this is good, another state will tell this is bad. And another new state will come, this is banned because there is no rule. Now, because of rule, all the state will tell, if you do this one, this is good. If you don't do this one, this is bad. Because it is an established rule from the central government, which will govern all the state governments. Okay. Also, this will further pave a very high growth and path to the industry, and more professional will come into the picture. And also one of the main feature is the security of the industry and the company will be protected. Now all the direct selling company is protected because of this rule. Otherwise, it will depends on the sentiments of different governments. In short, the rule is the protection and security for the industry. Thank you very much, Mr. Rafiq, for doing the translation for me in English. So thank you very much. I think I should not again translate the same thing. So जैसा कि दर्शकों आप हमने समझ में आ गया कि जो रूल आया है, direct selling का एक्ट आया है, ये हमारे पैरों को मजबूत करने के लिए आया है, हमारे भविष्य को बचाने के लिए आया है. और ये आपको एक मान सम्मान मिलेगा कि हाँ, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अब मान्यता मिल गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तो रफीक सर, आपने बहुत ही बखूबी से आपने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया. इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मैं हंसी देख रहा हूँ, खुशी देख रहा हूँ, स्माइल आ गई है. मैं वीडियो के वीडियोस खुले हैं, यू कैन सी स्माइल्स एंड वी कैन सी पीपल आर जस्ट इंक्रीजिंग टक 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 नॉट क्रॉस अराउंड 650. तो देखिए आज सबके सब वीडियो खोल के बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को मुस्कुराते हुए, अलग अलग रंग बिरंगे कलरफुल चेहरे आज मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं. मारे आपके जवाब से जैसे उन्हें मानो कि कुबेर का खजाना मिल गया है, यानी असली दिवाली पटाखे फोड़ने का टाइम आ जाए इस प्रोग्राम के बाद. वो जाके फोड़ेंगे पटाखे कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं अब उसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुरक्षा मिल गई. तो रफीक सर, बढ़ते हैं फिर तीसरे प्रश्न की तरफ. सो मिस्टर रफीक, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन. सो मिस्टर रफीक, वी सी लॉट्स ऑफ डिस्कशन व्हाट इज हैपनिंग इन मीडिया, इन YouTube, लॉट्स ऑफ डिस्कशन हैपनिंग ऑन द न्यू रूल, स्पेशली ऑन द पिरामिड सेलिंग. नो, how will this affect in direct selling in general? That is one thing. The second part is, how is it going to affect DXN in particular? So if it's possible, please throw light on both those things, Mr. Rafiq and Mr. Vijay. Please, a translation. मैं हिंदी में बताना चाहूँगा. प्रश्न जो हमारा ये है रफीक सर आपसे, कि
आजकल हम जो जब से डायरेक्ट सेलिंग का FIR रूल है, बहुत सारे हमने खबरें YouTube पे भी देखी हैं, Facebook पे भी आ रही हैं, न्यूज में भी आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आ रही हैं, ये पिरामिड स्कीम जो नया रूल जो है पिरामिड स्कीम के द्वारा बेचने पर कि भाई ये लीगल है कि नहीं है या ये किस तरीके से होना चाहिए, और क्या सामान्य रूप से जो ये नियम जो आया है क्या सामान्य रूप से किस प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा और विशेष रूप से डीएक्शन को एक किस प्रकार प्रभावित करेगा, आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? ओके सी, ये बहुत सच है, दिस इज ट्रू दैट मेनी आर स्टार्टेड डिस्कशन, हर एक यूट्यूब चैनल खोल दिया है अभी तो, इसीलिए इसमें चर्चा करना बहुत इजी है। जो डायरेक्ट सेलिंग का साथ लेना देना नहीं है वो भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रूल। ओके, बिकॉज कुछ न्यूज़पेपर ने बड़ा बड़ा कंपनी का नाम डाल दिया, ये कंपनी अभी प्रमिट नहीं कर सकता है, सो कंपनी ने पूरा मल्टी लेवल प्रमिट के ऊपर बैन लगा दिया, मल्टी लेवल के ऊपर बैन लगा दिया, ऐसा कुछ भी न्यूज आ गया है, तो इसीलिए लोग कुछ लोग खुश हो गए हैं बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और चर्चा चल रहा है तो ये कंफ्यूज कर रहा है मार्केट को। ओके, सी फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द रूल्स है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं उनका व्यू में अगर हम जाएंगे ना, 1000 लोगों का 1000 व्यू है, तो हर एक व्यू का अंदर हम जाकर बात नहीं कर सकते, हम बात कर सकते हैं रूल क्या बोल रहा है। अभी हमारा पास जो रूल है, तो मेरे पास ये जो रूल आया है, ये रूल क्या बोल रहा है इसके ऊपर ही बात करना है। लोग क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, न्यूज पेपर क्या बोल रहा है, और ये बंदा ने क्या बोल दिया, वो फलाने ने क्या बोल दिया, नथिंग। बिकॉज अगर कोर्ट में जाएंगे उसने क्या बोला इसने क्या बोला डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज रूल क्या बोला, रूल क्या बोलता है वही मैटर करता है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द रूल से अबाउट स्पेशली ऑन द परमिट स्कीम, ओके, एंड बैनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सी, ये पूरा रूल तीन चीज बोलता है। नंबर वन, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दैट मीन्स डीएक्शन जैसा कंपनी कैनॉट डू परमिट स्कीम, परमिट स्कीम नहीं कर सकता है। नंबर टू, इट शुड नॉट डू मनी सर्कुलेशन, नंबर टू। नंबर थ्री इज, जितना भी गाइडलाइन दिया हुआ है, जितने भी पॉइंट्स दिया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए और डायरेक्ट सेलर के लिए, इसे 90 दिन का अंदर फुलफिल करना चाहिए। ओके, ये तीन चीज ये रूल बोलता है। नंबर वन परमिट के बारे में बोलता है, नंबर टू मनी सर्कुलेशन के बारे में बोलता है, और नंबर थ्री इसमें जो पॉइंट्स है वो पॉइंट को फुलफिल करने के लिए बोलता है। पॉइंट्स क्या है, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बोलता है, आपका वेबसाइट ऐसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, डायरेक्ट सेलर को आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो सब हम बाद में बात करेंगे, पहले ये तीन ब्रॉड एंगल में बात करेंगे, परमिट स्कीम, मनी सर्कुलेशन। और कुछ पेपर में आपने देखा हुआ है वो बोल दिया ये बड़ा बड़ा कंपनी अभी परमिट नहीं कर सकता है, सो प्रमिट नहीं कर सकता है मींस पहले यह समझना चाहिए प्रमिट क्या है। अगर कल कोई न्यूज में डालता है डीएक्शन कैन नॉट सेल अल्कोहल टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये बड़ा न्यूज बन जाएगा, और हकीकत यह है डीएक्शन ने अल्कोहल सेल नहीं कर रहा है, वो दूसरा बात है, बट लोगों को आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़ा ब्रांड का साथ डालेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, जस्ट ऐसा डालेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अल्कोहल सेल नहीं कर सकता है, ये न्यूज नहीं बनता है। जब ये न्यूज तब बनेगा, डीएक्शन अभी अल्कोहल सेल करने में मना किया हुआ है, अभी ये न्यूज बन जाएगा, बिकॉज एक ब्रांड का साथ जब न्यूज को जोड़ देते हो ना वो बड़ा बन जाता है। बट अभी ये देखना है वो कंपनी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैन नॉट डू परमिट स्कीम, विच मीन्स Now let us understand permit scheme according to the rule. मैं permit scheme के बारे में आपको बताऊंगा। Permit scheme क्या बोलता है? What is the definition of the permit scheme into this rule of Direct Selling Act जो है 2021 का? Permit scheme means, मैं पहले English में पढ़ रहा हूं फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। Permit scheme means a multi-layer network of subscriber to a scheme formed by subscriber enrolling one or more subscriber in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment or action or performance of additional subscriber to the scheme in which the subscriber enrolling further subscriber occupy a higher position and enrolled subscriber a lower position resulting in
मल्टीलेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर विथ सक्सेसिव एनरोलमेंट. इसमें दो चीज देखना बहुत जरूरी है. नंबर वन, प्रमिट स्कीम का मतलब क्या बोल रहा है? प्रमिट स्कीम का मतलब यह है, इट्स अ मल्टीलेयर नेटवर्क जहां पे लोग को इंट्रोड्यूस करने में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा मिलना नहीं चाहिए. ये नंबर वन. अगर कोई कंपनी आपको बोलता है आप 10 लोग लेके आओ, हर एक बंदा 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देन आपको ये मिलेगा, देन वो प्रमिट स्कीम है. बिकॉज जब बंदा आता है उसका साथ एक पैकेज भी आता है, पैसा भी आता है. विदाउट पैसा वो कंपनी का साथ जोड़ नहीं सकता है. अगर वो 1,00,000 इन्वेस्ट करेगा देन ओनली वो कंपनी का साथ आएगा. तो ये कैसा हो जाएगा, मेरा काम है 10 लोगों को 1,00,000 डाल के लेके आना, तो मेरा काम फिनिश. तो ये 10 लोग आया, उनका काम क्या है, और 10-10 लोगों को 1,00,000 लेके आना. तो यहां पे क्या हो रहा है, ये पैसा जो है ना, ये नीचे का पैसा ऊपर का पॉकेट में जाएगा, ऊपर का पैसा और ऊपर का पॉकेट में जाएगा, ये एक पिरामिड में चला जाएगा. सिर्फ लोगों को जोड़ने में अगर आपको पैसा मिलता है, दिस इज कॉल्ड पिरामिड स्कीम. ओके, नाउ डीएक्शन में देखिए, डीएक्शन में आप 1,000 लोग भी जोड़ेंगे, आपको पैसा मिलता है नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है. बिकॉज डीएक्शन को लोग जोड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए और इसमें आपको पैसा भी नहीं मिलता है. दैट मींस क्लियरली ये पिरामिड स्कीम नहीं है. पिरामिड स्कीम का मतलब यह है लोगों को जोड़ने में पैसा मिलना चाहिए. अगर लोगों को जोड़ने में आपको पैसा नहीं मिलता है, यह पिरामिड स्कीम नहीं बनता है. नंबर सेकेंड, और एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इन विच द सब्सक्राइबर एनरोलिंग फर्दर सब्सक्राइबर. अगर मैं फर्दर सब्सक्राइबर को ऐड कर रहा हूं, दैट मींस मैं स्पॉन्सर, और लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूं, आई विल बिकम ए हायर पोजिशन. ओके, एंड जो मेंबर आ रहा है वो लोअर पोजिशन में रहेगा. कभी भी ये जो नया मेंबर है ना, इसका पोजिशन पुराना वाला पोजिशन से ऊपर नहीं जा सकता है पिरामिड स्कीम में. अगर एक बंदा आ गया और एक बंदा नीचे आ गया, से फॉर एग्जांपल एक बंदा को एक पोजीशन मिल गया और नया बंदा जो पोजीशन में आ रहा है, पिरामिड स्कीम में कभी भी ये बंदा ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर पोजीशन में नहीं जा सकता है. से नाउ डीएक्शन में अगर हम देखेंगे तो करेक्ट एमएलएम कंपनी, करेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल मैंने डीएक्शन में ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैंने डायमंड बन गया. जब मेरे नीचे एक डाउनलाइन आया, वो जब मेरे से जोड़ा, अब मुझे कोई पैसा नहीं मिला, कंपनी मुझे कोई पैसा नहीं दिया. नंबर वन पॉइंट क्लियर. नंबर सेकंड पॉइंट, देन ये प्रोडक्ट को लेना शुरू किया, वो प्रोडक्ट की वजह से मुझे इनकम आना शुरू हुआ. मैं डायमंड हूं, ये बंदा अच्छा काम करके स्टार एजेंट बना, स्टार रूबी बना, डायमंड बना, डबल डायमंड बना. डबल डायमंड बना मींस मतलब क्या है, मेरे पोजीशन से मेरा डाउनलाइन हायर पोजीशन में चला गया. बट पिरामिड स्कीम में डाउनलाइन हायर पोजीशन में नहीं जा सकता है. अगर कोई स्कीम आपको रोकता है हायर पोजीशन में जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पिरामिड स्कीम. नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा. बट डीएक्शन में देखिए, 10 साल 20 साल हो गया वो अभी स्टार एजेंट है, 3 साल ज्वाइन करके क्राउन एम्बेसडर बनने वाले भी है. मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया, मेरा अपलाइन स्टार एजेंट ही है. दैट मींस मेरा अपलाइन से मैं कितना गुण ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज ये पिरामिड स्कीम नहीं है. पिरामिड स्कीम इसे अलो नहीं करेगा. पिरामिड स्कीम क्या होगा, जब तक ये ऊपर वाला बड़ा नहीं बनता है, नीचे वाला बड़ा नहीं बन सकता है. दिस इज कॉल्ड पिरामिड स्कीम. बट ये जो अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जो रूल में है, जो अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवर, अगर ये काम उनको क्या होता है, दे कैन बिकम हायर एंड हायर इररिस्पेक्टिव. वो अच्छा काम करेगा वो बड़ा होगा. जो लोग अच्छा काम करते हैं वो बड़ा होंगे, जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं वो अच्छा नहीं. अच्छा काम का मतलब क्या है, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये पूरा खेल अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग में, लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग में, लेजिटिमेट कंपनी में, पूरा खेल प्रोडक्ट मूवमेंट में होगा. जितना ज्यादा प्रोडक्ट मूव हो रहा है उतना ज्यादा इनकम. बट पिरामिड स्कीम में क्या है, जितना ज्यादा लोग जुड़ रहा है उतना ज्यादा इनकम.
वहां पे प्रोडक्ट का खेल नहीं है, सिर्फ लोगों का खेल है। तेरा पैसा मेरा पॉकेट में, मेरा पैसा ऊपर का पॉकेट में, सिर्फ पैसों का खेल है। यहाँ पे प्रोडक्ट कहीं भी नहीं आता है। सो इसीलिए प्रमिट स्कीम का ऊपर रुकावट डाला। ये बहुत अच्छा काम कंपनी ने, गवर्नमेंट ने किया है, इसीलिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैं इतने कंपनी जानता हूं, लोग बोलते हैं सिर्फ नाम रख देते। मैं एक कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं, बट कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, एक कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं। वो कंपनी ने बोला मेरा कंपनी में ज्वाइन करना है, तुझे 20,000 इन्वेस्ट करना है। 20,000 इन्वेस्ट करने में तुझे क्या मिलेगा? तुझे गोल्ड मिलेगा। गोल्ड कहां है? स्विट्जरलैंड का लॉकर में है। तुझे गोल्ड असली में नहीं मिलेगा। गोल्ड कहां है? स्विट्जरलैंड का लॉकर में है। जब आप तेरे नीचे दो लोग लेकर आ जाएगा ना, दो लोग लेकर आ जाएगा, ये 20,000 है, इसमें 10,000 तुझे वापस करूंगा। और 20 लोग लेकर आएगा, ये 20,000 से और 20,000 तुझे वापस करूंगा। तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ पैसों का खेल है, इसमें प्रोडक्ट कुछ नहीं है। और ये कंपनी मुझे पता है, वो कंपनी क्या कर रहा है, वो कंपनी थोड़ा उसका ब्रेन चला है। वो कंपनी ने बोला तू मेरा पास मेंबरशिप लेना है, तुझे 10,000 पे करना है। 10,000 पे करना है तो मैं क्या करूंगा, 10,000 में मैं 20 टी कोड, यू नो टी कोड, टी कोड को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? टी कोड, टी कोड, टी का जार में रखूंगा। हाँ, टी कोड ही बोलते हैं। हाँ, टी कोड, तेरा तेरा 10,000 में लेकर मैं तेरा नाम में टी कोड पहलाऊंगा, टी कोड बड़ा करूंगा। जब टी कोड बड़ा हो जाएगा तब तुझे कहां टी कोड करेगा? वो हिमालय माउंटेन में करेगा, कहां करेगा किसी को पता नहीं। बट ये सिर्फ नाम के लिए प्रोडक्ट है, बट सही में प्रोडक्ट नहीं है। बट असली नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप पैसा देते हो, आपका सामने सामने प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। जो दाम आप दे रहे हो वो दाम का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, वही खेल खत्म। सही है ना? अगर आपको बोनस भी नहीं मिलता है ना, कंस्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर नुकसान में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसने जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट उसका मिल गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जो प्रमिट स्कीम में क्या होगा, तू पैसा देगा, प्रोडक्ट नहीं रहेगा, प्रोडक्ट नहीं दूंगा। कहां प्रोडक्ट रहेगा? प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड में रहेगा, हिमालय में रहेगा, मार्स में रहेगा, जुपिटर में रहेगा, जमीन का अंदर रहेगा और खबर का अंदर भी रह सकता है, कभी भी हो सकता है। सो दिस इज विदाउट प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट का साथ अगर कोई काम करता है, दैट इज कॉल्ड ए प्रमिट स्कीम। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रमिट स्कीम मींस। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, लोग को, सिर्फ लोग को जोड़ने में पैसा मिलता है, दैट प्रमिट स्कीम है विदाउट प्रोडक्ट। नंबर टू, जो नया बंदा आया है वो हायर पोजीशन नहीं पा सकता है, देन वो प्रमिट स्कीम है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रमिट स्कीम। एंड मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन क्या है? नथिंग मनी सर्कुलेशन मींस तू 10,000 लेकर आ और 10 लोगों को 10,000 इन्वेस्ट कर, बस हो गया काम, और कुछ नहीं है। मेरा पैसा तेरा पॉकेट, तेरा पैसा मेरा पॉकेट, सिर्फ चलेगा 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 चलेगा। और ऊपर का जो टॉप बंदा जो ये प्लान शुरू किया है, उसको जब तक एक 300 करोड़ 400 करोड़ मिलेगा तब तक खेलेगा, उसका बाद खेल खत्म। ये पैसा लेकर वो चला जाएगा कहीं दूसरा कंट्री। ये पूरा लोग, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग खराब, नेटवर्क मार्केटिंग खराब, मैंने पैसा दिया, पैसा डुबा दिया, पैसा गया, पूरा कंप्लेंट इंडस्ट्री का ऊपर, बिकॉज उसे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है। अगर उसे प्रोडक्ट मिला होता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बिकॉज वो तो संतुष्ट हो सकता है, मैंने 10,000 दिया, 10,000 का प्रोडक्ट मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट ने इसीलिए ये कंस्यूमर को सुरक्षित करने के लिए ये दो चीज लेके आया, प्रमिट स्कीम और मनी सर्कुलेशन। ओके, सो दस द कंपनी विच इज रिफ्रेंड बाय सच एक्टिविटी और द सेफ कंपनी एंड डीएक्सएन और लॉट ऑफ कंपनी, अच्छे अच्छे कंपनी इंडिया में है, वो सब कंपनी बिंदास अभी मार्केटिंग में जा सकता है, बहुत सुरक्षित बिजनेस कर सकता है। ये रूल उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, thank you very much Mr. Rafiq, thank you. Let me do bahut cool Rafiq sir, bahut cool. Let me do a small translation now. Now let us understand what is this rule actually saying. Now this rule is saying about three main things. One is about this pyramid scheme, that they should not be doing selling by pyramid scheme, and there should not be any money circulation is the second part. Third part, you should follow all government regulations. Now when government regulations is coming into picture,
It has got all the big list, like the registration, following the FSSAI, doing all the making the website proper, having a right buyback policy, everything. This all comes under the regulation of the company. So this is the three things what the company has, what the government has come about as a rule. But unfortunately, many of them don't know about these things. They've interpreted everything in their own manner, and they've confused themselves, and they come to everybody. So that is about the three main rules. But what we should see is here, if you talk about pyramid is only when it happens with subscription, when there's a joining fees. Let's say somebody says, okay, fine, you join this company with 10,000, 20,000, 30,000, and you join below them many other people. That becomes a company in which during registration, there is joining fees. That is one Rahul, let me help you on this permit scheme definition. Okay. See, permit scheme, why it is restricted? Permit scheme is restricted because of two reasons. Number one reason is if anybody is given benefit directly or indirectly just for recruitment of people, it is a permit scheme. So here what is happening is no product movement, only people movement. And only money movement is happening. No product movement is happening. Without product movement, only by recruitment, if you are recruiting the people without product, and you are giving benefit for such recruitment, it is called permit scheme. Number second is, in permit scheme, the new people who joined below you cannot take your higher position at any point of time. Upper position people will always in a upper position, down position will always in a down position. So this is called a permit scheme. If you see in DXM, as I told you, a diamond who sponsor new people, he can become crown ambassador also. That means he can overtake his position. And only for recruitment, even you do 1,000 recruitment in DXM, you will not get a single rupee from DXM as an income. Only for recruitment, there is no money. That means clearly DXN is not in the permit scheme. So that's why we are in a very safe hand. Our plan is a very safe plan. And some people are asking now, chat box mein maine dekha tha, ek banda ne, one member is asking, sir, government abhi recognize kar raha hai, kal bade bade company aayega, like a Tata aayega, Reliance aayega, bade bade company abhi direct selling industry mein aayega, to kya hoga? See, when bade bade company aayega, so it is very good. When big companies are coming, it is very good for the companies, for the direct selling companies. But remember, every company will be having its own strategy. Company can copy the system, but they cannot copy the soch. Jo soch hai na company ka, wo soch ko dusra company copy nahi kar sakta hai. Jo DXN ka jo soch hai, wo soch ko koi company copy nahi kar sakta hai. जो डीएक्सएन का वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो प्लान है, इसे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकता है. जो डीएक्सएन का जो ज्ञानोडर्मा है, उसमें जो पॉन जो ज्ञानोसीलियम है, वो उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है. जो डीएक्सएन का जो पूरा मार्केटिंग प्लान सिस्टम है, उसे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकता है. सो इसीलिए नो नीड टू वरी, जितने भी बड़े कंपनी आएगा वो मॉडल को कॉपी कर सकता है, बट सोच को कॉपी नहीं कर पाएगा. Because soch, DXN ka soch hai. Yes, sir. Thank you very much. Just remember one part, that is, you need to be a legitimate, a legal company. That is very important. Now, Mr. Rafiq, now lots of people are putting questions in the chat box, but we'll not take that. Let's go with the next, because time is running short. We'll go with the next question. Mr. Rafiq, as a layman, even for me also, I understand that the act, the act and guidelines for companies. Now, is there anything that a distributor need to take care? That is also very important. The company is doing, but as a distributor also, we should know what they should take care. Vijay, a translation from your side. Rafiq sir, jo Rahul ne prashn kiya hai, wo ek distributor ki taraf se bhi prashn hai, aur ek common man jo aaj ke samay mein direct selling ke andar apne aap ko as a distributor ke taur pe kaam karne ke liye apna man bana raha hai, to wo samajhta hai ki jo ye niyam aur jo ye गाइडलाइन आई है, जो एक्ट आया है, कि क्या कंपनी के लिए है, क्या इसके अंदर जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में उन्हें भी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है. यानी कंपनी तो अपने गाइडलाइंस को पूरा कर रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की क्या जिम्मेदारी बनती है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, आपसे
काम करते वक्त काम करने के लिए। ओके, ये जो रूल है ना, ये जो रूल गवर्नमेंट ने दिया है, ये बहुत ट्रिकी रूल है। ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट सेल, ये इसमें दो चीज के लिए मैं जिक्र हुआ है। ये एक है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी माने कंपनी, और एक जिक्र हुआ है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर माने डीएक्सएन का सारे मेंबर, ये आप इसका अंदर आ जाते हो। सो ये जो रूल है कंपनी के लिए भी है, ये रूल है डायरेक्ट सेलर के लिए भी है। ओके, इसका बाद ये जो शब्द है ना, ये पॉपुलर यूज नहीं होगा। अभी कंपनी अभी मेंबर नहीं बुलाएगा, सबको बुलाएगा डायरेक्ट सेलर, बिकॉज ये ऑफिशियल नाम है। ऑफिशियल नाम दिया जाता है आप लोगों को, यू आर ये डायरेक्ट सेलर। ओके, कंपनी इज डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। इसमें कंपनी का कुछ नियम कानून है, कंपनी को क्या क्या करना है, कंपनी को उसका जो वेबसाइट है उसे कितना क्लियर रखना है, और कंपनी को जो कागजात है वो ऑलरेडी सबमिट करना है। कंपनी ने इसे ऑलरेडी कर दिया है। जब 2016 में जो डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया था, हर एक स्टेट में ये जो रूल आया है, अभी ये रूल 2016 में ही कंपनी का पास आ गया है, और आ गया है, और कंपनी को बोला गया है ये डॉक्यूमेंट हर एक स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करो, और ये चीज आपको करना चाहिए। कंपनी ने ऑलरेडी ये कर चुका है, और थोड़ा बचत है अभी, वेबसाइट में कुछ इंफॉर्मेशन नया आना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम कर देंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कंपनी के लिए, और डायरेक्ट सेलर के लिए भी बहुत मजेदार रूल है ये। ओके, उनके लिए भी डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन करने के लिए भी ये रूल, बिकॉज ये जो रूल है ये दिया जाता है फ्रॉम कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंस्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल है। ये रूल का मेन मकसद क्या है पता है? कंस्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंस्यूमर का साथ ज्यादा लेना देना किसे होता है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को होता है या डायरेक्ट सेलर को होता है? डेफिनेटली ये डायरेक्ट सेलर को ही होता है, बिकॉज कंपनी डायरेक्टली कंस्यूमर को नहीं बेचता है, बट कभी कभी बेचता है, बट ज्यादा नहीं बेचता है। ज्यादा हम बेचते हैं डायरेक्ट सेलर को, और ये डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली कंस्यूमर को बेचता है। सो ये जो वन ऑफ द मेन एरिया यहां पे है, ये डायरेक्ट सेलर को डिसिप्लिन करने के लिए ये रूल है। सो इसमें क्या क्या बोलता है, व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलर के बारे में क्या बोलता है, डायरेक्ट सेलर को क्या क्या करना चाहिए ये भी यहां पे है, और डायरेक्ट सेलर को क्या क्या करना नहीं चाहिए ये भी यहां पे क्लियर लिखा हुआ है। सी, नंबर वन इज ये डायरेक्ट सेलर में मेन पॉइंट आपको बताता हूं। डायरेक्ट सेलर एट द इनिशिएशन ऑफ एनी सेल रिप्रेजेंटेशन ट्रूथफुली क्लियरली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ डिस्क्लोज द आइडेंटिटी। अगर कहीं भी आप प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो, आपका आइडेंटिफिकेशन उनको देना इसका ऊपर आपके लिए फर्ज बन जाता है। Okay, if you go there, you should tell what is your name, what is your mobile number, और consumer का हक बनता है आपसे ये पूछने के लिए। आपका contact number मुझे देना, और आपका नाम देना, और आपका ID proof, जो company का जो ID proof है। So हर एक direct seller का पास इसका बाद ID proof होना जरूरी है। Okay, और make an offer providing accurate and complete information। अभी आधा बाधा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है डायरेक्ट सेलर। जो इंफॉर्मेशन देता है करेक्ट इंफॉर्मेशन उसे देना चाहिए कंस्यूमर को, और डेमोन्स्ट्रेट करता है और सर्विस प्राइस, क्रेडिट टर्म, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रिटर्न, एक्सचेंज, ये प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं है ये मैं कैसे वापस ले लूंगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऊपर भी ये रूल है, अगर कोई कंस्यूमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं है, ये प्रोविजन होना चाहिए, वो कंस्यूमर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक प्रोडक्ट वापस दे देगा। ऐसा नहीं एक बार बेच दिया वो प्रोडक्ट अच्छा है खराब है कंस्यूमर को यूज करना ही, ऐसा नहीं है। कंस्यूमर का पास अभी पूरा राइट है। अगर वो प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं राहुल का पास एक प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं बोलता हूं राहुल जी ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, ये 100 पैसा है, ये है, ये है, मैं बेचकर आ गया, और ये मेरी जिम्मेदारी बनता है राहुल को बोलने के लिए, राहुल जी अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है, ओके, आप इतने दिन के अंदर इसे वापस कर सकते हो, मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अगर इतने दिन का बाद आप इसे वापस करते हो, मे बी एक महीना का बाद वापस करते हो, बट ये प्रोडक्ट खुला नहीं होना चाहिए, ओके,
ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर करते हो इसमें से कुछ सर्विस चार्जेस कंपनी डिटेक्ट करेगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा पैसा वापस करूंगा। ये क्लियर होना चाहिए कंस्यूमर को। तो कंस्यूमर क्या होगा, कंस्यूमर विल नॉट बी इन ए फॉल्स पोजिशन, सो कंस्यूमर विल हैव इट्स ओन राइट। ओके, सो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज कंस्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बना गया है। ओके, और जो भी आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो फॉर्म देना पड़ेगा, ये सब डायरेक्ट सेलर को करना पड़ेगा। इंश्योर दैट एक्चुअल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द बायर मैचेस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट गिवन। आपने जो बोला है वही प्रोडक्ट उनको देना पड़ेगा। ओके, आपने बोल दिया एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट डिलीवरी दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, और जब भी कंस्यूमर के साथ आप जाते हो, यू शुड वियर योर आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड कार्ड से जाना पड़ता है। ओके, और कंपनी का जो लिटरेचर नहीं है वो लिटरेचर डायरेक्ट सेलर यूज नहीं कर सकता है। इसकी बात, जो कंपनी ने कोई लीफलेट है, बुकलेट है, जो भी है, वो कंपनी की तरफ से आना चाहिए, नॉट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलर। अगर डायरेक्ट सेलर करता है देन कंपनी से उसे ऑथराइज करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है देन डायरेक्ट सेलर विल बी इन योर फॉल्ट पोजिशन। ओके, और सब कुछ बहुत सिंपल है, हम जो करते हैं इसमें एक ही चीज, पूरा डायरेक्ट सेलर का ऊपर एक ही नियम कानून आया है, द टू प्रोटेक्ट। ये जो कंस्यूमर है उसे आप झूठ मत बोलो, गलत प्रोडक्ट मत दो, और झूठी प्रॉमिस नहीं करो। ये तीन चीज है बस, अगर ये तीन चीज मैं करेक्ट रख लूंगा ना, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोलने का तू डीएक्शन में आ जाएगा, ये प्रोडक्ट खा लेगा, इतना दिन में तू काला है, तू गोरा बन जाएगा, तेरा टकला बाल है, बाल बन जाएगा, डायबिटीज है, सब रोग दाल, ये ठीक हो जाएगा। जो कंपनी नहीं बोलता है वो इंफॉर्मेशन आप कंस्यूमर को नहीं बोलना चाहिए, और झूठी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। ओके, और प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ाकर बताना नहीं चाहिए, जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बहुत बड़ा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का जो ताकत है उसे बताना चाहिए, और ये ताकत को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, ये जो है कंस्यूमर को गुमनाम कर देगा, कंस्यूमर को फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कंस्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सेलर का ऊपर भी ये कानून आया हुआ है, आप इसे वेबसाइट में देख सकते हो, कंस्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का वेबसाइट जाएंगे तो आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, आप भी इसे अच्छा पढ़ लेना, सो दैट फ्यूचर जो भी काम करेंगे बहुत जबरदस्त काम होगा, सिक्योर्ड काम होगा, पावरफुल काम होगा, और एक लीगल काम होगा। अगर कोई करेक्शन करना है खुद को, कंपनी को करेक्शन करना है, कंपनी कर लेगा, अगर डायरेक्ट सेलर को कहीं करेक्शन करना है वो डायरेक्ट सेलर भी वो करेक्शन कर लेगा। ठीक है, थैंक यू मिस्टर रफीक, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज किया है, बट स्टिल मैं कुछ लाइंस आई लाइक टू ट्रांसलेट फॉर फ्यू लाइंस। लाइक इट्स बेसिकली फॉर यू टू गेट डिसिप्लिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, ऑल द थिंग्स, वेदर राइट फ्रॉम योर हैविंग आइडेंटिटी कार्ड, राइट फ्रॉम हैविंग द पॉलिसी ऑफ टेकिंग इट बैक विद सम कंडीशंस, डेफिनेटली विद सम कंडीशंस, एवरीथिंग इज टू मेक इट डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। So you have to understand that part, and that we are very well following. So, Mr. Rafiq, thank you very, very much with this answers of. I think we have nearly covered all these things. Vijay, now with this, I think we should also give a take-home message, Mr. Rafiq. बिल्कुल राहुल, take-home message बड़ा जरूरी होता है। राहुल सर, रफीक सर ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि as a direct seller जब आप किसी consumer को product बेचते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है सही इन्फॉर्मेशन देने की। खाली प्रोडक्ट बेच के आपको भूल नहीं जाना है, उसके अगर कोई ग्रीवेंसेस है, कोई कंप्लेंट है, कोई अब उसका कोई क्वेरी है, तो सारी जिज्ञासाओं को आपका दायित्व बनता है कि आपको इसका निवारण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोली, कुछ लोग लिटरेचर बना के छाप रहे हैं कंपनी का लोगो लगा के, और उसको कुछ लोग मार्केट में बेच भी रहे हैं और लोगों को सर्कुलेट भी कर रहे हैं बिना कंपनी की मंजूरी के। अगर इस तरीके के लिटरेचर वो पाए जाते हैं, इस तरह कुछ पाया जाता है, तो उनके कानूनन उनके ऊपर भी एक्शन होगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और कंपनी की तरफ से भी उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कंपनी के ऑथराइज डॉक्यूमेंट को ही आप आगे प्रमोट करें, जो कंपनी बोलती है प्रोडक्ट के बारे में वही करें, किसी प्रकार का झूठा दावा ना करें, और किसी अनऑथराइज लिटरेचर को आप अपने किसी भी ग्राहक को या कंज्यूमर को या ग्रुप में प्रमोट ना करें। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सर
प्रोग्राम के अंत की तरफ. तो राहुल, तो यू कैन आस्क इन इंग्लिश. सो गाइस, यस यस, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, बट वंस अगेन मिस्टर राफेल, जस्ट रिपीट वंस अगेन अ ब्रीफ टेक होम मैसेज एंड अ समराइजेशन ऑफ दिस एंटायर कन्वर्सेशन, द एंटायर थिंग व्हाट वी स्पोक टुडे. विजय, अ स्मॉल ट्रांसलेशन फ्रॉम योर एंड. सर, जो हमने आज बातें करी हैं, जो इसके बारे में क्या आप संक्षेप में क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिससे कि वो फील्ड में जाके दुगनी ताकत से काम कर सके. अभी अभी ताकत दुगनी नहीं हुई है, अभी ताकत तिगनी, चार गुनी, पांच गुनी, बहुत गुनी होगी है, बिकॉज ऑफ द लॉ. यू सी, नाउ इट इज वेरी हाईली पॉजिटिव न्यूज फॉर द इंडस्ट्री. हमारा इंडस्ट्री के लिए, डीएक्सएन के लिए स्पेशली, जो अच्छे कंपनीज है उनके लिए बहुत बहुत एक पॉजिटिव न्यूज है ये जो डायरेक्ट सेलिंग लॉ. और ये जो लॉ ऑलरेडी आया है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ पॉइंट में कुछ ना, कुछ जगह में एक एक दो पॉइंट मिसिंग है. ये सब जो है, एक अमेंडमेंट शायद आ सकता है. मैंने आईडीएसए का साथ बात हुआ था, आईडीएसए ने ऑलरेडी मिनिस्ट्री का साथ बात हुआ है, ये सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें इन फ्यूचर में आ सकता है. ओके, बेस्ड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट और डायरेक्ट सेलर का रिक्वायरमेंट की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें कंपनी लेकर, गवर्नमेंट इसमें लेकर आ जाएगा. ओके, सो दिस विल एम्पावर द कंपनी टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये भी कंपनी को भी ये एक चेक में रखेगा. अभी कोई भी कंपनी आलतू फालतू प्रोडक्ट नहीं ले आ सकता है, ऐसी प्रोडक्ट ले आना चाहिए जो क्वालिटी का साथ रहेगा. बिकॉज वो क्वालिटी का साथ नहीं रहेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, डायरेक्ट कंप्लेन कर देगा. कंज्यूमर जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है उसमें कंप्लेन कर देगा, और हर नेशनल कंज्यूमर फोरम का साथ हर एक कंपनी अभी कनेक्शन में रहेगा, उसमें हर एक कंपनी रजिस्टर करना चाहिए. तो अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो देन कंज्यूमर कंप्लेन भी कर सकता है. तो इसीलिए कंपनी का ऊपर भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है, अच्छे प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट अच्छे इसमें देने के लिए. ओके, सो ऑल्सो इट विल डिसिप्लिन द डिस्ट्रीब्यूटर हाउ दे सेल द प्रोडक्ट विद कंज्यूमर एंड द प्रोमिसेस दे मेक एंड प्रोटेक्ट द फॉल्स एक्सपेक्टेशन. ये जो रूल है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को भी प्रोटेक्ट करता है और उसे उनको डिसिप्लिन भी करता है, जो आवड़े चौड़े बात ना करे, जो सही बात है वही करने का, वो सही बात करके कंज्यूमर का साथ उनका विश्वास में रहने का और सही प्रोडक्ट सही जगह में करेक्ट इंफॉर्मेशन का देने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये डायरेक्ट सेलिंग रूल मौका देता है. इन शॉर्ट, कंज्यूमर ऑफ द कंट्री इज प्रोटेक्टेड. हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा एंड जो कंज्यूमर, हमारा जो प्रोडक्ट खा रहा है ना, वो अभी प्रोटेक्टेड है. ओके, प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. सो ये कंज्यूमर एंड तक ये प्रोडक्ट को ले जाने वाला कौन है? नंबर वन कंपनी है, उसका पर डायरेक्ट सेलर है. ये दोनों का ऊपर भी अभी जिम्मेदारी है अच्छे प्रोडक्ट अच्छे टाइम में वो कंज्यूमर को देने के लिए. ये कंज्यूमर को किंग बना दिया, कंज्यूमर को राजा बना दिया. अभी कंज्यूमर कैन गेट द गुड प्रोडक्ट इन गुड प्राइस, सो दैट कंज्यूमर ऑल्सो बेनिफिट, डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो बेनिफिट, डायरेक्ट सेलर ऑल्सो बेनिफिट, एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑल्सो विल बेनिफिट इन ए बिग वे. अगर कहीं भी किसी को भी करेक्शन की जरूरत है, 90 डेज का टाइम दिया हुआ है, ये 90 डेज का अंदर कंपनी भी खुद को करेक्शन करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर भी खुद को करेक्शन करना चाहिए, सो दैट ये कंपनी और डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट अच्छे सर्विस दे सके. ये है पूरा डायरेक्ट सेलिंग रूल ऑफ 2021, which I feel and very, very happy that the rule has come in the correct time with the correct message, and this will empower us in a very big way. Okay, so congratulations to all the direct sellers, to all DXN members, now that we are recognized with the law and backed up with the rules and regulations. Congratulations. Bahut bahut Rafiq sir, aapne bahut sare jigyasaon ko shant kiya hai. Aap as a DXN distributor, aapka bhavishya surakshit hai, safe hai, ki DXN maximum sabhi ke sabhi Vijay's, I think Vijay's internet is a bit weak there. What we'd like to summarize, what Mr. Rafiq was trying to summarize is, ultimately it is to protect the consumers. Consumers are the king. Remember that, but that is very important. Now, this is actually a very highly positive news for the industry. And amendments may again further come in the industry. I have been for marketing plan.
Vijay, I think your internet is a bit unstable. Yeah, actually it was disconnected. So जो रफिक सर ने जो information दी मैं बताना चाहूँगा संक्षेप में ही. संक्षेप में तो और थोड़ा सा संक्षेप कर देता हूँ कि as a DXM distributor आप सभी लोग सुरक्षित हैं. DXM वेबसाइट से लेके जितने उसके नियम्स हैं जो भी गाइडलाइंस है वो पहले से ही खरी उतरती है और इसके लिए DXM मैनेजमेंट पहले से ही सजग थी, सतर्क थी, क्योंकि ये जो चीजें आई हैं एक्ट, ये हम लोगों के प्रयास से ही आया है, इस इंडस्ट्री के प्रयास से ही आया है. इसमें IDSA का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. तो एज ए IDSA मेंबर हम लोग हैं, तो हम लोग पहले से ही अवेयर थे इन सब चीजों के बारे में. तो हमने पहले से अपने सिस्टम उस चीज को पहले से अडॉप्ट किया हुआ है. और साथ साथ अब बहुत महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग बढ़ चढ़ के दावा करते हैं और बल्क में एक बार लोगों को सामान बेचने का प्रयास करते हैं या किसी बीमारी को लेकर उस प्रोडक्ट को दावा करते हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब उनके ऊपर भी गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर भी एक्ट है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं. तो जो इन्फॉर्मेशन कंपनी दे रही है उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को सही माध्यम से प्रमोट करें. किसी को भी ये ना लगे कि हम ठगे जा रहे हैं या हमारे साथ धोखा हुआ है. हमेशा विश्वास में लेके उनको समझा के सही तरीके से प्रोडक्ट का प्रमोशन आप लोग करें. थैंक यू रफीक सर. For us, we have rectified right from the very beginning itself. Nothing to rectify for us. So still, we are trying to see what best we can do. So and along with the company, definitely, it's also for the direct seller, like what Mr. Rafiq says. It's also for us to be disciplined. Do not do any false claimings. Do not exaggerate. Because that is one thing what we always fear. Please do not exaggerate. So with these words, Vijay and Rafiq sir, I think we have come to the end of today's session. It's a beautiful session, lots of information, lots of things which really the distributors, the leaders wanted to know, and it has got cleared. And still, if you still have got doubts, please, we can watch this. It will be live and it will be also put in the YouTube, which you can watch again and again with answers. And still, if you have doubts, please do contact us. There's nothing what you can say that you still have. We want you to be clear and we want you to be knowing that you are with the right company. घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या कहीं से कोई परेशानी आ रही है तो तुरंत DXM मैनेजमेंट से या अपने अपना लीडर से संपर्क करें, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास करें. और इसी के साथ हम सबको मिलके काम करना है, एक साथ रह के काम करना है. आपका भविष्य सुरक्षित है क्योंकि आपके साथ DXM है, DXM के एंटायर मैनेजमेंट है, DXM के एंटायर टॉप लीडरशिप है. इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रांसलेटिंग इन हिंदी टू दैट इज इंग्लिश टू हिंदी. एंड थैंक यू रफीक सर फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल रिप्लाई टू आवर ऑल द DXM डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द कंज्यूमर्स. थैंक यू वेरी मच. सो इन्हीं शब्दों के साथ अभी आप सभी दर्शकों से हम विदा लेना चाहेंगे और कल फिर हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में. मी एंड राहुल बोथ आर कमिंग टुगेदर. कुछ आपकी चीजों का हम समाधान करेंगे, जैसे कि TSI के पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय.